हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एग्रीकल्चर विभाग में 5638 कुल पद में जो है यहाँ पे वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसके लिए 10th एंड 12th पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते। एक गवर्नमेंट जॉब है, इसका सैलरी है 23,000 पर मंथ। लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2024 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, यहाँ पे किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊँगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के पूरा जानकारी भी आप लोगों को दिखाऊंगा, किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 10th एंड 12th पास करके डायरेक्ट यहाँ पे कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए आप लोगों को 16 अप्रैल 2024 इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियली अपडेट, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 5,680 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को अप्रैल 2024 इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। ऑफिशियली अपडेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज लिमिट क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा गया है, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते उनके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है। तो जो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर बात किया जाए, एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स तक के एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपको दिया, आपको जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते उसको आपको देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, एससी एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आप 10th पास है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 10th पास करके कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। एंड उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट भी लगेगा, जो कि है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, इसको आपको ध्यान में रखिएगा एंड यहाँ से आपको एप्लीकेशन करना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।